यह वीडियो किसी भी तरह विज्ञापन प्रेरित नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आप द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के लिए सौदा का जिम्मेदार नहीं होगा। अपने पैसों का निवेश स्वविवेक से करें। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज आपको दिखाने वाले हैं ऑरा और कंचन डेवलपर के द्वारा बनाया जा रहा ओशियन वन एंड ओनली प्रोजेक्ट का पूरा रिव्यू। आइए शुरू करते हैं। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ आप अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के लोकेशन को समझ लेते हैं। यह प्रोजेक्ट पिंगले बस्ती मुंडवा में मौजूद है। जो कि मुंडवा पासपोर्ट सेवा केंद्र के बिल्कुल पास में है। आइए इस प्रोजेक्ट के रोड कनेक्टिविटी को समझ लेते हैं। यदि आप खराड़ी बाईपास की तरफ से आ रहे हैं तो आपको मोड़ा मुथा रिवर को क्रॉस करना है और पहुंच जाना है मुंडवा चौक तक। उसी तरीके से यदि आप हड़पसर या फिर मगरपट्टा की तरफ से आ रहे हैं तो भी आपको सीधा आते हुए मुंडवा चौक तक पहुंचना है और फिर मुंडवा चौक से सीधा आगे बढ़ना है घोरपड़ी रोड पर। इस रोड पे जैसे ही आप 500 से 600 मीटर की दूरी पे आते हैं, राइट साइड में आपको मंत्रा कोड नेम इन्फिनिटी का प्रोजेक्ट दिख जाता है। उसे क्रॉस करते हुए हम लोग सीधा आगे बढ़ चलेंगे। इस घोरपड़ी रास्ते पे 1.7 किलोमीटर की दूरी पे आने पे हम पहुंच जाते हैं सदबा कोदरे चौक। ये एक तरीके से पंचराहा है जहां पे आपको लेफ्ट साइड में मगरपट्टा के लिए रास्ता निकल जा रहा है। अगर आप स्लाइड राइट की तरफ देखें तो सीधा ये आपका नॉर्थ मेन रोड होते हुए कोरेगांव पार्क कल्याणी नगर के लिए निकल जाता है। सीधा रास्ता जिस पे हम लोग चल रहे हैं ये घोरपड़ी रोड के नाम से जाना जा रहा है, और जो रास्ता आपके मगरपट्टा की तरफ कट रहा है उसके नीचे ही मौजूद है हड़पसर रेलवे स्टेशन रोड। तो इस चौक से भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैसे ही 100 मीटर आगे बढ़ेंगे लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट मिल जाता है जिसका नाम है ओशियन वन एंड ओनली। आइए प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। बात करें टोटल लैंड पार्सल की तो यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 3 एकड़ में फैला हुआ है। टोटल नंबर ऑफ टावर्स की बात करें तो 5 रेजिडेंशियल टावर और 1 कॉमर्शियल टावर्स यहां मौजूद रहने वाले हैं। टोटल रेजिडेंशियल यूनिट्स की बात करें तो 240 से 250 फ्लैट यहां पे मौजूद रहेंगे। अभी के समय में 2 टावर लॉन्च किए गए हैं ई एंड एफ। जो इसकी हाइट रहने वाली है 17 स्लैब का पूरा बिल्डिंग रहेगा जिसमें 5 लेवल का पार्किंग और 12 स्टोरीड रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स रहेंगे। इसमें 2 और 3 BHK प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हर फ्लोर पे 4 फ्लैट रहेंगे, 2 2 BHK और 2 3 BHK। बात करें 2 BHK की तो इसका रेरा कारपेट 662 स्क्वायर फीट रहने वाला है। वहीं टोटल कारपेट की बात करें यानी कि बैल्कनी और टेरेसेस के एरिया को अगर मिला दिया जाए तो 834 स्क्वायर फीट इसका रहेगा। प्राइस रेंज की बात करें तो 2 BHK 1.07 CR से 1.1 CR तक रेंज कर रहा है। ये पूरा आपका ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। वहीं 3 BHK की बात करें तो रेरा कारपेट 943 स्क्वायर फीट रहेगा। इसका टोटल कारपेट यानी कि बैल्कनी और टेरेसेस एरिया मिला के 1148 स्क्वायर फीट रहने वाला है और इसका प्राइस रेंज 1.47 CR से 1.5 CR रेंज कर रहा है। अगेन ये ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। इसके महारेरा पोजीशन डेट की बात करें तो जून 2026 इसका पोजीशन रहेगा। आइए इस प्रोजेक्ट से की डिस्टेंसेस को समझ लेते हैं। बात करें स्कूल एंड कॉलेजेस की तो विब्योर हाई स्कूल प्रोजेक्ट से 2.2 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं सरस्वती स्कूल प्रोजेक्ट से 1.8 किलोमीटर की दूरी पे है। नेसवाडिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स प्रोजेक्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और वहीं बात करें IT सेक्टर्स की तो मगरपट्टा साइबर सिटी और सेरेब्रियम IT पार्क प्रोजेक्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ION और WTC प्रोजेक्ट से 6.5 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद हैं। बात कर लेते हैं हॉस्पिटल्स की तो बुधरानी हॉस्पिटल और सह्याद्री हॉस्पिटल येरवड़ा प्रोजेक्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। वहीं मणिपाल हॉस्पिटल खराड़ी प्रोजेक्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है।
बात कर लेते हैं मॉल्स की, तो सीजन्स एंड एमरोरा मॉल प्रोजेक्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, वहीं फिनिक्स मॉल विमान नगर प्रोजेक्ट से 6.5 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद हैं। बात कर लेते हैं पुणे रेलवे स्टेशन की, जो कि प्रोजेक्ट से 5.3 किलोमीटर की दूरी पे है, वहीं पुणे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट से 7.5 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है। आइए प्रोजेक्ट के प्रोज और इसके कॉन्स को समझ लेते हैं। बात करें प्रोज की, तो यह प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ से कल्याणी नगर, कोरेगांव पार्क और मगरपट्टा सिटी काफ़ी पास में मौजूद हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे मौजूद फ्लैट्स के साइजेस को देखें तो वो भी ठीक ठाक प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके कॉन्स की बात करें तो प्रोजेक्ट साइज और पोजिशन डेट को देखते हुए यहाँ के जो प्राइसेज हैं वो थोड़े हायर साइड में लग रहे हैं। पूरा प्रोजेक्ट एक लीनियर लाइन में रहने वाला, यानी कि सीधे सीधे में सारे टावर्स मौजूद रहेंगे, और इस पूरे प्रोजेक्ट के जस्ट पीछे अगर आप देखें तो पूरा रेलवे ट्रैक जा रहा है। आइए बात कर लेते हैं किसे खरीदना चाहिए और किसे नहीं। ऐसे लोग जो कोरेगांव पार्क, कल्याणी नगर में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की तलाश में हैं पर उनके बजट में नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए यह प्रोजेक्ट हो सकता है। पर ऐसे लोग जो बड़े प्रोजेक्ट में सेंट्रल एमिनिटीज के साथ प्रॉपर्टी देख रहे हैं, उनके लिए यह प्रोजेक्ट नहीं है। साथियों, लगातार आप लोगों के काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे हैं प्रोजेक्ट रिव्यू, वर्क प्रोग्रेस, और लगातार हम लोग आपके सामने वीडियोज भी अलग अलग लोकेशन के और प्रोजेक्ट के ला रहे हैं। आप लोग सौदागर से जुड़े रहिए। यदि आपने अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको लगातार पुणे शहर के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में जानकारियां मिलती रहें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।